वेलकम, बहुत अच्छा बजा लेते हैं आप. नाम चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो, पर हर आदमी में थोड़ा थोड़ा राज तो होता ही है. वेलकम. व्हाट इज दिस हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माय बैक? आप तो सीधे साधे थे, ये क्या हो गया आपको? आते ही सीधे ही अटैक. बजा रहा हूं. सिमरन, अगर ये तुम्हें प्यार करते हैं तो पलटेंगे. पलट पलट और पलट गए. एक बार सिद्धू भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए. वैसे एक बात और, ऐसी पर्सनल सवाल था. अजय सर जब कोई फिल्म साइन करते हैं आपसे ऐसे पूछते हैं? जरूर, मैंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग देके रखी है उसको. आपने देखा नहीं, एग्जाम्पल के लिए जी. उन्होंने सिंगम की थी जी. सबसे फेमस डायलॉग क्या था उसका? आता माजी सटकली हाफ महाराष्ट्र. फिर उन्होंने भगत सिंह की थी, उसका भी कुछ बंगाली डायलॉग था उसमें. उन्होंने कोर्ट कचहरी में बैठ के एक बंगाली डायलॉग बोला था. तो मैंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है. मैं एक यहाँ से ना एक चीज़ और हमें सीखने को मिलती है कि ये जो उनको ट्रेनिंग देती हैं वो फिर बेचारे कुछ नहीं बोलते. अगर इन्होंने आता माझी सटक ली उनको सिखाया तो वो पंजाबी होने के नाते अपना भी थोड़ा मिक्स कर सकते कि आता माझी घुम गई हुए. पर उन्होंने ट्राई नहीं किया. वेरी ओबीडियंट हस्बैंड. वेरी एंड वेरी सपोर्टिव बीवी. ऑफ कोर्स, जोरदार तालियां इनके लिए. अच्छा, आप तो अभी परिवार में बिजी हैं, फिल्में कर नहीं रही हैं. अजय पाजी धड़ाधड़ हिट पे हिट दिए जा रहे हैं. वाइफ के तौर पे अगर कहना चाहें तो शायद इनको ये सवाल अच्छा ना लगे, पर वैसे आपको उनकी जोड़ी किन के साथ अच्छी लगती है स्क्रीन पे? मेरे साथ. ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन. आज हमें पता चला सिंगम की बीवी भी सिंगम ही है. बोलते हैं इसीलिए. बाकी मैं आपको एक बात बताऊं, अगर सिद्धू पाजी यहाँ पे राज बन सकते हैं तो मेरा तो थोड़ा सा बनता ही. मैं ऐसे फीलिंग लेना चाहता हूँ. अगर शाहरुख भाई नहीं है यहाँ पे तो मैं थोड़ा सा तो फायदा उठा सकता हूँ. थोड़ा अभी हमारे कपड़े भी देखे कितने अच्छे मैच कर रहे हैं. थोड़ा सा राज का फीलिंग लेना चाहता हूँ. ये मेरी सिमरन है और मैं राज. जाने से पहले अब लगा म्यूजिक. फिल्म DDLJ में एक गाना था रुक जाओ दिल दीवाने, मैं आपको उसका अब थोड़ी याद भी ताज़ा हो जाएगी, मज़ा भी आ जाएगा देख के. फिर उसके मेरे को एक सवाल है मेरे मन में आपसे पूछना है. ये ज़रा प्ले कीजिए यहाँ पे.
इन्होंने आपको इतनी जोर से गिराया जी, फिर भी आपके मन में इनके लिए प्यार कैसे जागा? प्यार नहीं था उस वक्त, बहुत गुस्सा आया था उस वक्त, मेरा चेहरा नहीं देखा, दैट वाज अ रियल एक्सप्रेशन। उन्होंने बताया नहीं मुझे कि पहले मेरे को गिराने वाले थे। ये शरू भाई अचानक ही किया आपने, इम्प्रॉम्प्टू बताया नहीं था किसी? ऐसे नहीं कपिल, तुम्हारे जैसा तालियों की आवाज सुन रहा था वहीं चले जाता हूं, लोग ताली बजा रहे थे। मेरा ऐसे नथिंग पर्सनल, यू नो व्हाट आई मीन, आई डोंट डू पर्सनल, आई जस्ट। तो आपने कितनी जोर से गिराया है? टू बैड, गिराते तो जोर से ही ना, आराम से कौन गिराता है। फिल्म DDLJ की सफलता की बात करें और उनके बाकी किरदारों का जिक्र ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए मिस्टर अनुपम खेर और फरीदा जलाल जी का। लेके रहती है कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं करने की पाप लगे, हालांकि हम अमरीश साहब को इतना प्यार करते हैं, पर एक सवाल, जब अमरीश पुरी साहब और शाहरुख खान साहब कबूतरों का सीन जो सरसों के खेत में होता है, जब कबूतरों को आओ आओ बोलते हैं, कितनी बार आओ आओ बोला था? देखिए अच्छा सवाल थोड़ा बदल, अगर कबूतर याद ना हो तो आपको कितनी बार बोला था आओ आओ? क्या बोला? पर मैं आपको बात बताऊं, जैसे सबने बताया कि अमरीश पुरी साहब आपको ऐसा बोलते थे, उनकी जगह कोई भी होता तो आपको ऐसे ही बोलता जी। आप बहुत प्यारी हैं, आप क्यों नहीं समझ रही हैं हमारी प्रॉब्लम? अब मारो, अब मारो। मेरे फरीदा जी के लिए साहब बाकी लड़कियां कान बंद कर दो। ओके आओ ऑल ऑफ यू, आपके आने से हमारे शो की गरिमा बढ़ी है, थैंक यू सो मच, और तालियां बजती रहनी चाहिए। होता है दीवाना सनम, अब यहां से कहां जाएं, तेरी बाहों में मर